हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूरोडिस में से कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है और कौन कम पॉपुलर। तो सबसे पहले हम न्यूरोडिस वालों का पहले का फॉलोअर्स देख लेते हैं। तो पहले नंबर वन पर थे मोश, जिनका फॉलोअर्स था 295 के। नंबर टू पर था तनीश, जिनका फॉलोअर्स था 215 के। नंबर थ्री पर सिम्मी, जिनका फॉलोअर्स था 143 के। नंबर फोर पर सोंदोस, जिनका फॉलोअर्स था 43 के। नंबर फाइव पर थे सिड, जिनका फॉलोअर्स था 25 के। नंबर सिक्स पर थे नंदू, जिनका फॉलोअर्स था 19.7 के। नंबर सेवन पर थे साक्षी, जिनका फॉलोअर्स था 17.3 के। नंबर एट पर थे जशवंत, जिनका फॉलोअर्स था 14.2 के। नंबर नाइन पर अर्ष थे, जिनका अराउंड 8 के फॉलोअर्स थे। और नंबर टेन पर थे अंगद, जिनका अराउंड 4 के फॉलोअर्स थे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मूस, तनिष और सिम्मी के ऑलरेडी काफी सारे फॉलोअर्स थे। मूस ऑलरेडी बिग बॉस ओटीटी से फेमस थी और सिम्मी भी एज ए डांसर काफी पॉपुलर थी। सिम्मी डांस इंडिया डांस सीजन 5 पर और कुछ डांस शोज में भी ऑलरेडी अपियर थी। और तनिष काफी पॉपुलर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिस वजह से इन तीनों का फॉलोअर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि शो के बाद किसका ज्यादा फॉलोअर्स है और किसका कम फॉलोअर्स है। तो नंबर टेन में आते हैं ऑब्वियसली अंगद, क्योंकि वो शुरुआत से ही रोडी से बाहर हो गए थे, जिससे वो इतना हाईलाइट नहीं हो पाए, जिस वजह से उनका फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ा नहीं। अभी उनका फॉलोअर्स है 5104। नंबर नाइन में आते हैं अर्श। अर्श को पहले काफी ज्यादा हेट्स मिला था, क्योंकि वो पहले टास्क इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से आरुषि एलिमिनेट हो गई और अर्श को हेट मिला और ज्यादा उनका फॉलोअर्स भी इंक्रीज नहीं हुआ। पर वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद जैसे अर्श ने टास्क परफॉर्म किया था और जैसे वो केविन को सपोर्ट करते थे, उनका हेटर्स भी उनको पसंद करने लग गए। पहले अर्श का फॉलोअर 8 के था और अभी उनका फॉलोअर्स है 20.8 के, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब अराउंड 12,600 फॉलोअर्स उनका इंक्रीज हुआ है और ये फॉलोअर्स उनका वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद ही इंक्रीज हुआ है। नंबर 8 में आते हैं जशवंत। जशवंत का अराउंड 6,700 फॉलोअर्स इंक्रीज हुआ है, अभी उनका फॉलोअर्स है 20.9 के। नंबर 7 में आते हैं साक्षी। साक्षी का पहले फॉलोअर 17 के था और अभी उनका फॉलोअर्स है 24.3 के। इट मीन्स अराउंड 7,000 फॉलोअर्स इंक्रीज हुआ है। नंबर 6 में आते हैं सिड। सिड का पहले 25 के फॉलोअर्स था और अभी उनका फॉलोअर्स है 36.1 के। इट मीन्स अराउंड 11,100 फॉलोअर्स इंक्रीज हुआ है। नंबर 5 में आते हैं नंदू। नंदू का पहले ओनली 19.7 के फॉलोअर्स थे। इट मीन्स पहले उनका सिड से भी कम फॉलोअर्स था, पर अभी शो के बाद वो सिड को बीट करके आगे आ गए। अभी उनका फॉलोअर्स है 41 के। इट मीन्स अराउंड 21,300 फॉलोअर्स का इंक्रीज हुआ है, जो कि काफी ज्यादा है। नंबर 4 में आते हैं सोंदोस। सोंदोस का पहले 43 के फॉलोअर्स था और अभी उनका फॉलोअर्स है 55.6 के। इट मीन्स अराउंड 12,300 फॉलोअर्स का इंक्रीज हुआ है। नंबर 3 में आते हैं सिम्मी। सिम्मी का ऑलरेडी 143 के फॉलोअर्स थे, अभी उनका फॉलोअर्स है 149 के। इट मीन्स ओनली 6 के फॉलोअर्स का इंक्रीज हुआ है। नंबर 2 में आते हैं तनिष। तनिष का पहले 215 के फॉलोअर्स था और अभी उनका फॉलोअर्स है 218 के। इट मीन्स 3,000 फॉलोअर्स का इंक्रीज हुआ है। फाइनली नंबर 1 में आते हैं मूस जटाना। मूस का पहले 295 के फॉलोअर्स था और अभी उनका 317 के फॉलोअर्स है। इट मीन्स अराउंड 22,000 फॉलोअर्स का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर शायद कुछ लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट फेयर, मूस, सिम्मी और तनिष के तो ऑलरेडी काफी ज्यादा फॉलोअर्स थे। तो अगर हम पहले के फॉलोअर्स से अभी के फॉलोअर की ग्रोथ को चेक करके किसका कितना फॉलोअर्स इंक्रीज हुआ है, उस हिसाब से अगर रैंकिंग करेंगे तो नंबर 1 में आते हैं मूस, जिनका 22,000 फॉलोअर्स इंक्रीज हुआ है। नंबर 2 में आते हैं नंदू विद 21,300 फॉलोअर्स। नंबर 3 में अर्श विद 12,618। नंबर 4 में सोंदोस विद 12,600। नंबर 5 में सिड विद 11,100। नंबर 6 में साक्षी विद 7,000 फॉलोअर्स। नंबर 7 पे जशवंत विद 6,700। नंबर 8 में सिम्मी विद 6,000 फॉलोअर्स। नंबर 9 में तनिष विद 3,000 फॉलोअर्स और नंबर 10 में तनिष विद 214 फॉलोअर्स। तो गाइस, ये थे हमारे मोस्ट पॉपुलर से लीस्ट पॉपुलर न्यू रोडिस कंटेस्टेंट्स। सारे लोगों में से मैं अर्श के ग्रोथ से काफी इम्प्रेस हुई थी, मतलब वाइल्ड कार्ड के बाद जैसे उनका ग्रोथ हुआ है 8 के से डायरेक्ट 20 के, जो कि काफी इम्प्रेसिव था। जहां बात किया जाए सिम्मी और तनिष का, तो उन दोनों का इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, उनका पहले से ही ज्यादा फॉलोअर्स था। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।